Hello everyone, this is Manisha Gupta from Department of Biotechnology, KCMT College, Bareilly. Today we will discuss about biopesticides. What are biopesticides? As defined by the United States Environmental Protection Agency, biopesticides are pesticides derived from such natural materials as animals, plants, bacteria, and certain minerals. Biopesticides pest management tools hain. Biopesticides ko three main groups mein divide kara gaya hai. Microbial pesticides, biochemical pesticides, and plant pesticides. Microbial pesticides include microorganisms such as bacteria, fungi, nematodes, protozoa, yeast, and viruses. Microbial pesticides apne target pest ke against jyada specific hote hain. Biochemical pesticides are naturally occurring substances that control pests by non-toxic mechanisms. Examples are insect sex pheromones and plant extracts, jo ki insect pest ki growth and reproduction ko inhibit karte hain. Plant pesticides are pesticidal substances that plants produce from genetic material that has been added to the plant. For example, Bt cotton, jisme hum plants ke andar Bacillus thuringiensis se isolate kari hui gene ko insert karate hain, jiski wajah se plant khud mein capable ho jata hai pesticidal protein banane ke and resistance show karta hai against a particular pest. Microbes that are used as biopesticides. Following are the microorganisms that are used as biopesticides. Bacteria ke case mein Bacillus thuringiensis is most commonly used biopesticide globally. Along with this, species of Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces are also used as biopesticide. Even viruses, protozoan, and fungi also play an important role as biopesticide. जैसा कि हमने discuss करा, biopesticide को three main groups में divide करा गया है. Microbial pesticide, biochemical pesticide, and plant pesticides. In this tutorial, we will focus more on microbial pesticide. इस diagram में, left side में, crop is infected by European corn borer. But in the right side, Bacillus thuringiensis से isolate करके, हमने जीन प्लांट में जब इंसर्ट करा दी जिसकी वजह से प्लांट कैपेबल हो गया पेस्टिसाइडल प्रोटीन बनाने के एंड रेजिस्टेंस शो करने लगा अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पेस्ट. Bacillus thuringiensis इज एब्रीविएटेड एज बीटी विच इज एन एरोबिक और एनएरोबिक फैकल्टेटिव एंड स्पोरुलेटिंग बैक्टीरियम. बीटी सॉइल में इंसेक्ट्स में उनके हैबिटेट्स स्टोर्ड प्रोडक्ट्स प्लांट्स फॉरेस्ट एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं. बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर टॉक्सिक जीन्स मौजूद होती हैं जो कि पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं. अगर इन्हीं जीन्स को हम आइसोलेट करके किसी प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दें तो वो प्लांट खुद में पेस्टिसाइडल प्रोटीन जनरेट करने लगेगा और रेजिस्टेंस शो करेगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पेस्ट. बायोपेस्टिसाइड्स हैव नो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन. बीटी इज यूज्ड मेनली टू कंट्रोल लार्वे ऑफ इंसेक्ट्स इन द लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. बीटी को एज अ बायोपेस्टिसाइड्स हम लीव्स के अंडरसाइट
एरिया में प्रोवाइड करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द लार्वे फीड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स. बीटी ब्रेक्स डाउन फास्टर इन सनलाइट विच विल रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस. अपॉन स्पोरुलेशन बीटी फॉर्म्स क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन जिन्हें हम डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स या फिर क्राई प्रोटीन्स कहते हैं. मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्राई टॉक्सिन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस. दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्राई टॉक्सिन्स. क्राई टॉक्सिन्स आर सिंथेसाइज्ड एज प्रोटॉक्सिन्स व्हेन ससेप्टेबल लार्वे इंजेस्ट द प्रोटॉक्सिन. इट इज सॉल्युबिलाइज्ड एंड एक्टिवेटेड बाई गट प्रोटीएजेस जेनरेटिंग ए टॉक्सिक फ्रैगमेंट. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन देन बाइंड्स टू टू डिफरेंट रिसेप्टर्स इन ए सिक्वेंशियल मैनर. दोनों ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाई मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स डैट फॉर्म द मिडगट एपिथेलियम. पहला कॉन्टैक्ट टॉक्सिन का होता है कैडहेरिन रिसेप्टर से. दिस इंटरैक्शन इंड्यूसेस ए कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द टॉक्सिन क्लीविंग ए स्मॉल फ्रैगमेंट फ्रॉम द अमीनो टर्मिनल रीजन द हेलिक्स अल्फा वन. दिस क्लीवेज एक्सपोजेस प्रीवियसली बरीड हाइड्रोफोबिक रीजन्स एंड ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ ए टेट्रामेरिक ऑलिगोमर स्ट्रक्चर. इस ऑलिगोमेरिक स्ट्रक्चर की एफिनिटी सेकेंड रिसेप्टर से काफ़ी ज़्यादा होती है. ये सेकेंड रिसेप्टर फैसिलिटेट करता है इंसर्जन ऑफ द ऑलिगोमर इनटू द मेम्ब्रेन जिससे पोर फॉर्म होता है दैट लीड्स टू सेल डिसरप्शन एंड अल्टीमेटली इंसेक्ट डेथ. बहुत सारे इंसेक्ट्स में क्राई टॉक्सिन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बाय ब्लॉकिंग एनी वन ऑफ द स्टेप्स इन दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस रिपोर्टेड अंटिल नाउ इन्वॉल्व्स म्यूटेशंस इन द कैडहेरिन जीन. नाउ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्राई टॉक्सिन्स विद एक्टिविटी अगेंस्ट रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्राई वन ए बी एंड क्राई वन ए सी टॉक्सिन्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्राई वन ए बी मॉड एंड क्राई वन ए सी मॉड लैक ए हेलिक्स अल्फा वन रीजन एंड फॉर्म द ऑलिगोमेरिक स्ट्रक्चर्स विदाउट फर्स्ट इंटरेक्टिंग विद कैडहेरिन रिसेप्टर. देयरफोर द ऑलिगोमर contact the second receptor and kill the larvae even if the cadherin protein is mutated or absent in the larvae gut. In modified toxins ki wajah se two species of lepidopteran insects that are resistant to cry1ab and cry1ac toxins due to lower production of cadherin protein became susceptible to cry1ab mod and cry1ac mod toxins. This diagram depicts the mode of action of cry1a toxin compared to cry1a mod toxin. Cry1a mod toxin overcomes the resistance power inherent in certain insect pest against a particular toxin. Advantages of biopesticides. Biopesticides chemical pesticides के comparison में less toxic होते हैं, more specific होते हैं और biopesticides amount में कम required होते हैं और वो easily decompose हो जाते हैं environment से. That means biopesticides are more environmental friendly. बायोपेस्टिसाइड्स का कॉस्ट कम होता है एंड दे एक्ट फास्टली. डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स. जैसा कि हम जानते हैं बायोपेस्टिसाइड्स के अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स आते हैं. डैट मीन्स फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर,
pH affect the effectivity of biopesticides. High selectivity can be one of the disadvantages of biopesticides, even short life also. Biopesticides face tough competition from other microbes in environment, क्योंकि उनके उन्हें सर्वाइव करने के लिए उन्हें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कम्पीट करना ज़रूरी होता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.